दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम लिए गए हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड से कितना सिम आपने लिए हैं, नहीं पता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। दोस्तों ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड से, आपके आईडी प्रूफ से कितने आप सिम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल धोखेधड़ी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे नंबर होता है जो कि आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन आपके आईडी से रजिस्टर होता है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं कि आपके आईडी प्रूफ से कितने सिम आपके लिए रखे हैं, कितने सिम आपने रजिस्टर करवाए हैं, यानी कि कितने सिम आपने यूज कर रहे हैं आपके आधार कार्ड से। तो सबसे पहले आप तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वो ऑफिशियल लिंक है, तो वहां से क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हो। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे देखिए इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आप यहां पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो मेरे मोबाइल नंबर पे चलिए ओटीपी आ रहा है, तो यहाँ पे चलिए मेरे मोबाइल नंबर पे जैसे ही ओटीपी आएगा तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, तो हम यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप ऊपर करेंगे, और ऊपर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपके प्रूफ से, यानी कि जो भी आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिए होंगे, तो यहाँ पे देखिए उसी का नंबर आपको दिखाएगा, यानी कि उस मोबाइल नंबर का लास्ट का चार अंक आपको दिखाएगा कि यानी कि आप आधार कार्ड से ये मोबाइल आप यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप आधार कार्ड से ये मोबाइल नंबर लिया और इतने अभी आप यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं अपने आधार कार्ड से एक ही सिम यूज कर रहा हूँ, इसी कारण से मेरे डिस्प्ले पर आप एक ही देख रहे होंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है, दो साल पहले आप किसी नंबर को यूज कर रहे थे, लेकिन बट अभी समय में आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तब पर भी वो सिम यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है नंबर, तो उसको कैसे आपको रिपोर्ट करना है, कैसे बंद करवाना है। जैसे कि आप मेरे मोबाइल नंबर पे देख रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है नोट रिक्वायर्ड पेड पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और आपको एक कोड दिया जाएगा, उस कोड को आपको संभाल के रखना है। और यहाँ पर बीच बीच में आपको जो है जब समय मिले, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ट्रैकिंग, तो आप यहां पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका यहां पे जो है अपने आईडी से जो आप बंद किए थे सिम वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, कि अभी शो कर रहा है, तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। जो भी आपको कोड मिला होगा तो उस कोड को यहां पे डाल के आप चेक कर सकते हैं मेरा सफलतापूर्वक रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, या मेरे आईडी से वो डिलीट किया गया है या नहीं किया गया। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कितने सिम चल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से पता कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टेट में ये भी साइट वर्क नहीं कर रहा है, तो आप घबराइए मत, धीरे धीरे साइट ये जो है जैसे ही डाटा अवेलेबल होते जाएंगे तो आपका ये साइट काम करने लगेगा। तो फिलहाल मैं जहां रहता हूं वहां पे ये साइट काम कर रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो यहां पे ये अगर साइट नहीं काम करता है 5 दिन 7 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्टेट बाय स्टेट डाटा लोड हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस पेज को इस तरह से ना करें, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करें, तो ये आपका जो है लॉग आउट हो जाएगा। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और हिंदी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या टर्म एंड कंडीशन है हमारे बारे में, तो यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे ये पोर्टल लॉन्च किया गया है टेफकोप के नाम से, तो यहाँ पे इस पोर्टल का सारा जानकारी आपको दिया जाएगा, धोखाधड़ी के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारा ABC करके दिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं, कितने सिम आपने लिए हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। और भी कोई मन में सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।